हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और हेल्दी होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी पूरी बॉडी पर, यानी कि उनके पूरे बॉडी पर छोटे छोटे गांठ उभर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगी। उन्होंने मुझसे कमेंट में ये पूछा था, लेकिन कमेंट में हर चीज़ का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो को स्पेशली उन्हीं के लिए बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। जो गांठ होती है वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। बहुत सारे लोगों को बॉडी में छोटे छोटे गांठ के रूप में उभरता हुआ कुछ दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में लोग गांठ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसे रसौली भी बोलते हैं, या बहुत सारे लोग इसे ट्यूमर भी बोलते हैं। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ रहा है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन है। बहुत सारे लोग तो पहले ही डर जाते हैं कि ये कैंसरस तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैंसरस 95% केसेज में ये कैंसरस नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस में ये कैंसरस के रूप में उभरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको गांठ हो रही है, अगर पूरे बॉडी में आपको गांठ हो रही है, तो इसका कारण क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। अगर आपकी बॉडी में गांठ बनना स्टार्ट हो गया है, तो इसका सबसे और सिंपल फंडा ये है कि आपका जो बॉडी है वो मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम बना रहा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बनाने की जो इसकी क्षमता है वो कम हो गई है, जिसके कारण आपकी जो बॉडी है वो फैट डिपॉजिट कर रही है और वो गांठ के रूप में उभर रहा है, जिसे आप देख कर कहते हैं कि हमारी बॉडी पर गांठ बन रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्पेशली ये मेटाबॉलिज्म का एक गांठ ही होता है, यानी कि चर्बी का गांठ होता है जो हमारे स्किन पर उभरता है, जिसे देखकर हम काफी बार डर जाते हैं कि ये कहीं कैंसरस तो नहीं, या फिर ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रिस्ट पर होता है, गर्दन के पीछे होता है, कान के पास होता है, पीठ पर होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि पूरी बॉडी पर होने लगता है, यानी कि पेट पर, पीठ पर, छाती पर, इस तरीके की भी प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को अंडर आर्म्स में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है, स्पेशली लेडीज को ब्रेस्ट में ही काफी ज्यादा होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन शेयर करने वाली हूँ, जिसे लेने से आपकी जो ट्यूमर यानी कि गांठ की जो प्रॉब्लम है वो 110% ठीक हो जाने वाली है। लेकिन इस मेडिसिन को जो लेने का तरीका है, वो 3 से 4 मंथ आपको रेगुलर लेना होगा, और आप एक बार ही इसे टच करके देखिएगा। आपको इसे बार बार हाथ लगाने से ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत बढ़ने लगती है, तो आपको इसे बार बार टच करने से बचना होगा। सबसे पहली यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो है बेराइटा कार्ब 200। उस कंडीशन में काफी इफेक्टिव होती है। जो गांठ होती है वो काफी टाइट होगी, यानी कि आप जब उसे छुएंगे तो काफी, आप जब इस तरीके से किसी पेशेंट के गांठ को छुएंगे तो काफी सख्त लगेगा, और आपको लगेगा कि जैसे इधर से उधर यह छटक रहा है, इस तरीके का आपको महसूस होगा। उस तरीके की कंडीशन में बेराइटा कार्ब काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगली जो मेडिसिन है वो है लैपिस एल्बा 30 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म के कारण जो हमारी बॉडी पर छोटे छोटे चर्बी का गांठ जो उभर जाता है, उसको कम करने में लैपिस एल्बा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होने वाली है। आपको इसे भी लेना है। अब लास्ट में मैं सभी मेडिसिन को लेने का तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगली जो मेडिसिन है वो है कोनियम 200 भी काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली गांठ को कम करने के लिए। अगली जो मेडिसिन है, फोर्थ जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है साइलिशिया 200 स्पेशली उन गांठ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो गांठ रहेगी उसमें छोटा सा छेद आपको दिखेगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको छोटा सा छेद दिखेगा उस कंडीशन में साइलिशिया 200 काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये तो रही ये 4 डाइल्यूशन। इन चारों को आपको लेना कैसे है मैं वो बता देती हूँ। चारों को डायरेक्टली अपने टंग पर सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार इस तरीके से लेना है, चारों मेडिसिन को। यानी कि आप सुबह उठेंगे तो कॉनियम को, बेराइटा कार्ब को, साइलेशिया को और लैपिस एल्बा, इन चारों मेडिसिन को डायरेक्टली अपनी जुबान पर 4-4 ड्रॉप टपकाना है, ठीक इसी तरीके से दोपहर में भी और ठीक इसी तरीके से शाम में और रात में। ठीक है, ये 4 बार आपको प्रोसेस करना है। और उसके बाद से 2 मेडिसिन जो है वो है थूजा 1 mg और फाइटोलक्का 1 mg। थूजा 1 mg को आपको सुबह खाली पेट में 1 बार लेना है, और फाइटोलक्का 1 mg को आपको रात में सोने से पहले 1 बार लेना है। और उसके साथ ही मैं एक बायोकेमी की टैबलेट बता रही हूँ, वो है कैल्केरिया फ्लोर 12 वैक्स। आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है, इससे भी आपकी जो गांठ है वो काफ़ी जल्दी गल जाएगी। तो आपको इन सभी मेडिसिन को लेना कैसे है मैंने वो सभी कुछ वीडियो में बताया है, लेकिन आपको अगर फिर भी कोई क्वारीज होगा तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा। होम्योपैथ मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना होता है, उन चीज़ों का परहेज कीजिएगा, आप देखेंगे आपकी जो गांठ है यानी कि ट्यूमर है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, और आपको इससे ज़्यादा टेंशन लेने की
ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको मैंने मेडिसिन दिया और बहुत जल्दी एटलीस्ट आपको 2 से 3 मंथ के अंदर ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी है, मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।